नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आईसीसी बैंक का आई मोबाइल बैंकिंग। आई मोबाइल, आप देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन आज के डेट में सारे बैंकों का है, लेकिन सारे बैंकों में क्या होता है कि आप नॉर्मल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो आईसीसी बैंक की आई मोबाइल है, आई मोबाइल पे, इसके अंदर में आप सारी सर्विसेस बैंक में का जो जितनी सर्विसेज सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके आपको सारी सर्विसेज बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी मनोबल बढ़ेगी और आगे मैं आपके लिए और भी जानकारी रहित वीडियो बनाऊंगा। और इसमें आप बताऊँ, सबसे पहले आई मोबाइल में 20 सर्विसेज जो आईसीसी बैंक ने दे रखा है, जो सारे के सारे यूनिक सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले मैं आप बताऊँ, सबसे पहले पे टू कॉन्टैक्ट्स। पे टू कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है कि मान लो कि आपके मोबाइल में किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको पेमेंट करना है, तो आपको किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आपने पेटीएम या गूगल पे या भारत पे कोई यूज़ करते होंगे, तो आपको आई उस कस्टमर से जो भी आपका जिसको पेमेंट करना है उसको आप क्या कहते हैं कि आपका बताओ पेटीएम नंबर है या गूगल पे नंबर है, क्या नंबर है, आपको यहाँ किसी पूछना नहीं है। आपको केवल पे कॉन्टैक्ट्स में जाना है और उसी में आप जैसे आप नंबर डालेंगे आईसी बैंक ऐप में, वो जो आपका अगला कस्टमर है, अगला बंदा जो भी है आपका, उसको वो क्या क्या यूज़ कर रहा है, वो सारे आपको अगर फोन पे गूगल पे सब सारे दिखेगा। उस समय आप डिसाइड कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं मैं किसके अंदर पैसा डालूं। तो आपको इसमें कोई ऐड पे करने के लिए या गूगल पे या फोन पे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर डालते ही अगले पर्सन का सारा डिटेल्स दिख जाएगा, क्या यूज़ कर रहा है और किसके थ्रू उसको पेमेंट करना है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिक चीज़ है, लिंक योर ऑल अकाउंट्स। इसमें लिंक योर ऑल अकाउंट्स में क्या है कि मान लो कि आपका आईसीसी बैंक में दो तीन अकाउंट चल रहा है, लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो आप सिंगल पोर्टल के अंदर में सिंगल स्क्रीन के अंदर में आप सब कुछ देख सकते हैं, अपने लोन्स, अकाउंट, इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसीज, सारा कुछ, डीमैट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड डिटेल, सारा कुछ आपको एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जितनी सर्विसेज आपकी आईसीसी बैंक में यूज़ कर रहे हैं सारे आपको सिंगल विंडो पे मिल जाएगा, एनी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। थर्ड यूनिक चीज़ है स्कैन टू पे। स्कैन टू पे में जैसे कि आप जाते हैं किसी का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो अब अगर आप आईसीसी बैंक का आई मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको कोई फोन पे गूगल पे किसी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक आईसीसी बैंक में नीचे में ऑप्शन आता है एप्लीकेशन में, आप उसी पर क्लिक करेंगे क्यूआर कोड स्कैनर खुल जाएगा और उसको स्कैन टू पे कर सकते हैं। आप और भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं आई मोबाइल के थ्रू, पे योर बिल्स, जितने सारे बिल्स हैं आज के आईसीसी बैंक में, ये सबसे और बेटर यूनिक है कि आपके अपने हाथ में ही आप सारी कुछ कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई बिल पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। स्कैन आप जितने बिलर्स हैं सारे इसमें ऐड है, बिजली का बिल हो, मोबाइल का बिल हो, पानी का बिल हो, क्रेडिट कार्ड बिल हो, या किसी चीज़ का भी बिल्स हो, आप वो भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक और सबसे यूनिक चीज़ है अप्लाई फॉर लोन। आपका अगर आईसीसी बैंक में अकाउंट्स है, आपकी क्रेडिट स्कोर सही है, तो आपको कभी किसी लोन के लिए कागज भी देने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आप वहाँ ऑफर जोन है आईसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग में, ऑफर जोन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में क्या क्या ऑफर्स हैं, और इमीडिएटली आप विदाउट किसी के हेल्प लिए हुए इमीडिएटली आप लोन भी डिसबर्स कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं, जो आप स्वाइपिंग से रिलेटेड ऑफर्स वो सारा देख सकते हैं। देखिए यूनिक ए भी है, मैनेज योर अकाउंट व्यू, डाउनलोड सारा कुछ कर सकते हैं आप इसके अंदर में। इसके बाद मैनेज योर कार्ड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स भी है या डेबिट कार्ड्स है, उसको ब्लॉक करना है, ओपन करना है, अपग्रेड करना है, सारा कुछ इसी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस सारा कुछ एक्सेस है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसमें देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है ना, मैनेज करने का सारा कुछ, आप ऑनलाइन कर सकते हैं सब कुछ। इसके बाद क्या है, लोन देख सकते हैं, क्या लोन चल रहा है, क्या क्या आपके ऑफर्स हैं, इस विंडो में सारा ऑफर्स दी जाएगा, क्या क्या ऑफर्स है आपको। तो आईसी बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो ये सारा कुछ आपको बेनिफिट आपको सिंगल विंडो के अंदर, सिंगल मोबाइल आपको हैंड में मिल जाए, मोबाइल एवरी टाइम लोगों के हाथ में होते हैं, तो सारी बैंकिंग्स और फाइनेंशियल्स रिलेटेड सर्विसेज आप हैंड में कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्लान, सारे इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, होम इंश्योरेंस, कार, टू व्हीलर इंश्योरेंस, सब कुछ आप हैंड टू हैंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका पास आईसीसी बैंक में अकाउंट है और आई मोबाइल यूज़ करते हैं,
तो इमिडिएटली आप सारी सर्विसेज के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एच एंड एवरी थिंग आप खुद से हैंडल कर सकते हैं सारा कुछ। और डिजिटल सर्विसेज में आपको बताएं एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट, ये तो नॉर्मल हर बैंक में एनईएफटी आरटीजीएस होता है, लेकिन इसमें यूनिक सी होता है पे कॉन्टैक्ट है, स्कैन टू पे है, इजी फंड ट्रांसफर, इमिडिएटली आप विद इन ए सेकेंड पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अंदर डाउनलोड इजी प्रोसेस है, आप गूगल पे या एप्पल स्टोर पे कहीं भी जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इमिडिएटली आप इसको डेबिट कार्ड से अपना एक्सेस करके और मोबाइल एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका आईसीबीआई में अकाउंट है तो इमिडिएटली आई मोबाइल डाउनलोड करिए और स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी और बैंक में अकाउंट चलाते हैं तो ये आईसीबीआई बैंक का एक बेस्ट फीचर है, आप आईसीबीआई बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।